हमारे माननीय सुरेश महतो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ उनका वो डिटी पुलिस है दिल्ली में, और फिर उसके बाद 2 साल से मैं भी गढ़वा में हूँ। तो सिपूजन जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, और मेरा ससुराल नहीं है, गोला में है, और गोला इनका घर है। स्पेशली एक बार मतलब हजारीबाग में था, तो हजारीबाग में आए थे चाणक्य आए थे, लोग कोचिंग में नहीं थे, इनको मैं बुलाया था। मेरा छोटा भाई अभी हाई स्कूल कम्प्लीट किया है, तो उन्हीं को यूपीएससी तैयारी वो भी कर रहे हैं, जेपीएससी मेंस के लिए उन्हीं के संबंध में शिव पूजन जी को बुलाया था। और पहले बहुत कम भेद मुलाकात हुई थी, फिर हम लोग का विचार इतना मिला कि मैं खुद बोला था कि मैं आऊँगा क्लास में, क्योंकि टीचर मैं रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि प्रशासन में गया हूँ, लेकिन सोल जो मेरी आत्मा है वो आज भी टीचिंग में है। वहाँ मैं गढ़वा में रहता हूँ, तो वहाँ का जितने भी कॉलेज हैं या हाई स्कूल से हैं, कस्तूरबा वासी हैं, गर्ल्स हाई स्कूल है, तो करीब करीब सब जगह में जाता हूँ पढ़ाने के लिए। तो उसी सिलसिले में श्री पूजन जी बोले, तो बोले ठीक है मैं आऊँगा। और आज एक्चुअली मैं हाई कोर्ट आया था रांची में, तो बात भी ऐसे जो ही हम लोग बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने सर आज ही ले ली है। तो हम बोले कि ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुझे जाना था तो मैं सोचती आप लोग से मिल भी मैं लूँ। ये मेरे एक सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ क्लास लेने का मौका मिला। तो प्लीज आप लोग थोड़ा अपने बारे में बता दें, आप पीछे से बताएं। मैं मनोज कुमार राणा, और मैं यहाँ 2 दिन से कर रहा हूँ। अनुरोध जी मैं आपने मनोज कुमार राणा, मनोज कुमार राणा जी प्लीज सीट पर बैठिए, बैठे बैठे बोल सकते हैं, कोई दिन नहीं है। चलिए आदित्य प्रियदर्शी, लास्ट 2 दिन मेरा से लास्ट। अच्छा आदित्य, मनोज कुमार अभिषेक, मैं लास्ट फाइव इसी साल फेब्रवरी से यहाँ क्लास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, विनोद कुमार लास्ट 3 मई से क्लास कर रहा हूँ। विनोद जी आप ना, ओके आप सर। जसलीन अरोड़ा लास्ट 6 मंथ्स, तुम भी बता दो चुके। ये मेरी बहन है, मेरी मेरे फ्रेंड है मिस्टर ब्रजेश, अभी बोकारो में हाई स्कूल शिक्षक है, मतलब हम लोग एकेडमी में साथ में पढ़े, उनकी ये मेरी बहन है, और यहाँ मेरे ही कहने से आई है यहाँ पर कि जाओ की जगह वहाँ क्लास में। पहले गुरकुंडा में क्लास कर रही थी, तो हम बोले कि थोड़ा सा ओपन हो, देख लो रामगढ़ के क्या है, घर से नजदीक भी हो, चलो बैठ जाओ प्लीज सीट डाउन। और शिव पूजन स्पेशली बहुत मेहनती है, और मैथ के तक जीनियस है निश्चित रूप से, मैं तो सिंपल स्टूडेंट में रहा हूँ। हाँ शिव पूजन और हमें अगर आप मानता है तो एक ही आसमान तो मैं कह सकता हूँ, कुछ जन्मजात जीनियस है, और मैं एक सिंपल स्टूडेंट था, और मैं कोशिश किया वहाँ तक पहुँचने का, बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। हाँ अब मैं तो उनको नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिसमें वो जीनियस है वो मेरा वीक कड़ी है, इसलिए को नहीं पता चलता है। लेकिन मेरा भाई किसी रीजनिंग वगैरह 1 घंटा स्पेशली मेरे घर में आके बताएं तो बहुत प्रभावित होता है, छोटा भाई गौतम है। सभी का ये एम्बिशन ये तो शिव आईएएस अकेडमी है, तो अभी जो आप लोग का जो टारगेट है इसमें यूपीएससी तैयारी कितने स्टूडेंट कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। नहीं देखिए आप अन्यथा नहीं लीजिए, जैसे होता है फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है ना वो आपको सबसे बड़ी बात ये जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, और ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही अटूट और एकदम ये सत्य है। तो जैसे हम है कि टारगेट रखे हुए हैं चलो, और उसके बाद पता चल रहा है कि टॉप टू बॉटम सारे एग्जाम बहुत फैट कर रहे हैं, तो उसका मैं नहीं कहता हूँ कि वो नेगेटिव थॉट है, पर अगर हम लोग थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो गुरु द्रोण जो हैं वो सभी से पूछते हैं कि आप लोग क्या दिखाई पड़ रहा है, तो अर्जुन क्या लावे सभी फल हुए हैं, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ और शायद मेरी सफलता का राज भी यही रहा है कि मैं एकदम सिंपल स्टूडेंट, मैं मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद एकेडमिक में थ्रू आउट जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पर मतलब अच्छा एकेडमिक रहा, लगभग टॉपर ही रहे सब जगह पर। हाँ सेंट्रोमा कॉलेज का मैं प्रोडक्ट हूँ, रांची से किया था, और फिर सराय में रेलवे में था। तो
मैं पर्सनल अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसलिए अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि चूंकि हम भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो यूपीएससी का हमारे कुछ पीछे हमारे स्टूडेंट लोग बैठे हुए, बाकी यूपीएससी तैयारी मोर देन एक ही चीज है, हाँ कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बड़ा है, हाँ एक बड़ा सर्कल खींचेंगे तो यूपीएससी है और उसके नीचे में उसके अंदर में छोटा सर्कल खींचे आपके जेपीएससी है। तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी तैयारी कीजिएगा तो वो सराउंडिंग एरिया में जेपीएससी उसके अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर है कि अंदर में, लेकिन कुछ बातें जो भिन्नता है और वो आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा। तो अभी इस बार यूपीएससी कौन कौन बैठे थे? आप एक बैठे थे और मनोज जी बैठे थे, आप नहीं बैठे। अच्छा, एज वगैरह के बारे में पता है कितने एज में जाना है, कितना बार चांसेस है? हाँ आप लोग पता ही होना चाहिए निश्चित रूप से, और वो बहुत जरूरी है। तो हम बेस लेके चलते हैं यूपीएससी लेकर के, फिर मैं जेपीएससी सालों में डिस्कस करते चलूंगा। और खास करके मैं कोई क्लास नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, ज्योग्राफी में रहा हूँ तो हमसे मतलब चला कि महासागरीय जलधाराएं आपको बताएंगे या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। मैं एक जनरल में बताना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को अनुभव में ये करना चाहता हूँ, बस यही गेट टुगेदर है। अभी मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँ उस बिंदु में। तो जैसे आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी का जैसे भी तैयारी, जैसे अभी तुरंत अभी जेपीएससी का 7 जनवरी से इंटरव्यू है, और जब मैं थर्ड जेपीएससी में मैं ये किया था तो मुझे याद है कि थर्ड जेपीएससी का मैं इंटरव्यू दिया था और मार्केट में आकर के इंटरव्यू देने के बाद फॉर्म भी खरीद दिया था 5 रुपये में, हाँ कि चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ क्योंकि इंटरव्यू के बाद आप एकदम श्योर नहीं कि आपका हो ही जाएगा। हाँ मैं क्वांटम में आज हमको याद है, जहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग का वहाँ जो आयोग है वहाँ पर इंटरव्यू देने निकला, मैं 5 रुपये खरीद लिया और उसके बाद मैं घर आया क्योंकि मैं उसमें जमशेदपुर में जॉब कर रहा था। तो आपका एग्जाम जो है अभी सामने है वो आपका 3 जून का यूपीएससी एग्जाम है, ये सबको पता है ना, 3 नहीं 2 जून है, 31 मई का, सॉरी हाँ। और आपका जेपीएससी जो है वो जेपीएससी भी लगभग वही समय मिलेगा क्योंकि 7 जनवरी से इंटरव्यू है, इस नए साल में पीटी 12 जनवरी किसका जेपीएससी हाँ वो ग्रेड बढ़ा देगा, थोड़ा बहुत बढ़ाएगा हाँ, लेकिन वो नहीं कर देगा। तो जो भी है लेकिन आपको ये मान के चल रहे हैं एग्जाम होगा। तो अभी आप जो तैयारी करेंगे वो तैयारी को आप जीएस में यूपीएससी को लीजिए, जो जीएस आपको पढ़ना है वो यूपीएससी को आप बेस मानिए और आपका जेपीएससी उसके अंदर में तैयारी होगा। लेकिन आप पूरी यूपीएससी को बेस मान के आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको जेपीएससी पता चलेगा दिक्कत हो जाएगी, यूपीएससी फिट नहीं करते, जेपीएससी पीटी फेल कर गए। बहुत आपके पास एग्जाम्पल में बता दूंगा कि यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं जेपीएससी पीटी फेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आईआईटी के स्टूडेंट लोग हाँ एकदम समझिए कि उन लोग इतिहास को एच नहीं जानते, लेकिन क्या है कि उन लोग क्रैक करने का आदत होती है कि कैसे क्रैक करना है। हाँ तो वो हम लोग क्या है कि जो सिंपल स्टूडेंट इसे कोचिंग है तो ये नहीं कि हम स्टूडेंट को एक मापदंड पर जाते कि कोचिंग जाएंगे तभी सक्सेस करेंगे, ये धारणा भी गलत है। हाँ ऐसा नहीं मैं कोचिंग का बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन कोचिंग हमें यह बताता है कि कम समय में क्या पढ़ना है। हाँ जो मैं एग्जाम्पल दिया अर्जुन का तो वो आपको दिखाएगा कि क्या पढ़ना है, तो वो चीज हमको कोचिंग बताता है। तो हम लोग अगर यूपीएससी का 31 मई का है या जनवरी फरवरी जो भी जेपीएससी का टाइम है उसको हम एक पीटी का मापदंड लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हम बुक्स में आते हैं। तो यूपीएससी में हम जो भी है वो हम करेंट में आप बहुत मैगजीन को मत पढ़िए, बहुत मैगजीन नहीं पढ़िए, यूपीएससी के लिए आपका कोई भी क्रॉनिकल वगैरह दर्पण थोड़ा इनफ नहीं है, पर उस सिविल सर्विसेज के लेकर जो स्पेशली आता है उसको आप पढ़ें और एक दो अखबार पढ़ें और उसके बाद जो है सो आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए और उसके अलावे एक तक आप बुक पढ़िए जो भी आपका है, और कोशिश कीजिएगा कि उस बुक को पढ़िए कि जिसका लैंग्वेज ईजी हो, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है सो पढ़ने के साथ साथ आप ग्रुप में कहीं भी आप लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना तो अकेले में नहीं होगा, यहाँ पर भी आप लोग कोचिंग आते हैं तो ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी, कम समय में ज्यादा ज्ञान का अर्जन होता है और वो आपके पास दिमाग में ना उड़ा जाएगा बात, उड़ा जाती है बात,
और आप यूं ही पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना एक रणनीति है। जैसे बोल मैं आईआईटी के स्टूडेंट लोग इतिहास को एच नहीं जान रहे हैं और 6 महीने के अंदर में इतना पढ़ा पढ़ लेंगे कि आप विश्वास कीजिए रांची कॉलेज से जो फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट ने उसको पढ़ा सकता है, आप विश्वास कीजिए। क्योंकि मैं हम लोग खुद देखे हैं कुछ 6 महीना पढ़े हुए हैं, आप यूपीएससी कंप्लीट करेंगे और फिर आकर के चाणक्य आईएएस अकेडमी में कोचिंग लेंगे, बोलिए इतिहास आपको ऐसे पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। हाँ, अब उनको सिलेबस के अलावा बोलिएगा पढ़ने नहीं, बोले हमको मुझे नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब मैं चाणक्य आईएएस अकेडमी में कोचिंग कर रहा था तो उस समय आपका अंकुर गर्ग नाम सुने होंगे आप लोग, आईएएस टॉपर अंकुर, आप तो चाणक्य आईएएस अकेडमी के स्टूडेंट रहे, हम लोग मतलब एकदम बहुत करीब से मिले हैं, उसमें मैं स्टूडेंट था। तो उनके बारे में हमारे उसके जो कोचिंग के जो फाउंडर है संजोग से हमारा बड़गांव घर पड़ता है और वहीं से एक ही मिश्रा अरुण पन मिश्रा सर, तो उनके पास स्टूडेंट लोग पूछा सर हमको अंधो बारे, बोले अंधो बारे कुछ नहीं जानते हैं, आप तो सोचते हैं यूपीएससी टॉपर मुझे सब कुछ पता है। देखिए वो बैठे थे आपका केमिस्ट्री और मैथ्स उनका मेंस में था और जीएस में था, और जो कंप्लीट किए थे उनका जीएस के बल पर इंटरव्यू बोल रहा हूँ, उनका इंटरव्यू 240 नंबर मिला था और मेंस जीएस से बहुत नंबर उठाए थे, वो यूपीएससी मेंस लिख रहे थे बता रहे अनुभव में, तो वो बोल रहे थे कि चलो इस बार मैं लिखता हूँ अगले बार मैं अच्छा तैयारी करके बैठूंगा, यूपीएससी मेंस एग्जाम होने सोच रहे थे, उनको खुद नहीं पता कि ये स्टॉप करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि आर्ट्स में ज्यादा लोग आ जाते हैं, हाँ आर्ट्स में आते हैं चूंकि साइंस का है बहुत गहराई है लेकिन फिर भी उसमें जो डेफनेस है वो उस चीज को नहीं कर पाते क्लियर। तो यूपीएससी को अगर हम टारगेट लेते हैं और हम तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज को आप ग्रुप डिस्कशन बहुत मायने रखते हैं और उसके बाद सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस आप जरूर करें पर बहुत ज्यादा नहीं करें, सेट प्रैक्टिस करें और सेट प्रैक्टिस में जो यूपीएससी पिछले बार जो क्वेश्चन चूंकि मेरा भी फायर एग्जाम लिख रहा है तो थोड़ी बहुत हम भी संपर्क में रहते हैं, हालांकि तो छूट गया प्रशासनिक में आए लेकिन कहीं कहीं वो रहता है टच में, तो उसमें आप देखिए कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको एकदम ट्रेडिशनल नहीं पूछेगा। हाँ जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं राज करता हूं कि जैसे ज्योग्राफी से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं भारत का जो भूगोल है उसमें आपका टोपोग्राफी से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा तथ्य गलत है, आप उसमें दे देगा कि लक्षद्वीप कोरल रीफ से बना हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूचा कोरल रीफ से बना हुआ है दूसरा तथ्य रहेगा, तीसरा रहेगा आपका दमन और दीव बंगाल की खाड़ी में स्थित है, देख रहे हैं अब सब आपको नया तथ्य मिलेगा क्वेश्चन। हाँ उसको एक क्वेश्चन कुछ है कि इंडिया का कुछ वहां पर आपका जो सागर सम्राट जो आपका मुंबई है जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वहां पर घटना घटी हुई कोई घटना घटी हुई अब उसके एक आपको जोड़ दिया कोई भी चीज को जोड़ दिया। हाँ तो अभी जो यूपीएससी पूछता है आपको क्या करें एक क्वेश्चन बनाने के लिए उसका आपको बेस जानना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा एक पौधा है तो पौधा को समझ लीजिए कि जड़ है बेस है तना है डाली है पत्ते हैं ठीक है ना, ये आपका बेस हो गया क्वेश्चन का, लेकिन जो नए नए पोपले निकल रहे वही करेंट अफेयर हो गया तो ये क्या आपको जोड़ देगा, तो करेंट आपको जोड़ के पढ़ना है और वो हमेशा उलझाता है, आप बोलेगा बी सही है बी एस सी सही है ए डी सही है ए बी सी डी चारों सही है, अब देखिए आप पूरा तथ्य जान ले तो बन जाएगा और नहीं तो उलझ जाइएगा, इसलिए बेस के साथ उनको करेंट भी पढ़ना है। क्या आप इस बात में सहमत है कि नहीं? यस हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ रहे हैं चाहे बायो पढ़े चाहे केमिस्ट्री पढ़े फिजिक्स पढ़े उसको आप मॉडर्न से जोड़िए, यूपीएससी यही चाह रहा है और यूपीएससी तो इतना करंट पूछ रहा है, हालांकि भी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। हाँ अभी इस बार का जो क्वेश्चन देखिए इस बार इकोनॉमी तो पूरा बूम कर लिया, देखिए शेयर मार्केट से लेकर के जो आपका खास करके जो निवेश हो रहा है अभी जो ग्लोबल हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज घुमा दिया है और इकोनॉमिक्स को जो आप नजरअंदाज कीजिएगा यूपीएससी में आपका इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री और करेंट अफेयर और आप बायो में आप ये ह्यूमन बॉडी चिकित्सा विज्ञान इसको आप पढ़ के जाइए, बाकी आप केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़े और कुछ आपका जैव प्रौद्योगिकी वगैरह पढ़ लीजिए इतने में आपका हो जाएगा। तो ये चीज को आप पूरा एकदम पूरा फोकस करें पूरा का पूरा फोकस करें और उसको अच्छा से एकदम पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ेंगे कोई उपाय नहीं है और जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए, आप कुछ भी किताब भी है बिपिन चंद्र उपाय लिखिए
हाँ ऐसा नहीं कि हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्या किताब गंदी हो जाएगी, ये थॉट है नहीं, ये नहीं थॉट है सारा, जो मेरा सोच है उसमें आप लिख भी सकते हैं साइड में, उसको आप जितना जो आपका रणनीति हो पढ़ने का आप उसको पढ़िए लिखिए, करंट अफेयर जुड़ा है नोट्स है कहीं उसको लिखते जाइए, हाईलाइटर है उसको आप एक कीजिए, और वो बहुत जरूरी है, वो आपका पहले जैसे यूपीएससी था तो क्या होता था एग्जाम बहुत गहराई सीखता था कि लोथल पहले सिंधु घाटी जाइए तो लोथल जाइएगा, लोथल में देखिए कहाँ गहराई है, कहाँ सिंधु का दानी मिला था, कहाँ वो मिला था, कहाँ आप वो नहीं पूछता है, आप देखिए कि पूरा सिंधु घाटी जो पूरा आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसी में पूरा लाइन उठाता है, और आपका 60-70% क्वेश्चन आपका रहता है एनसीईआरटी में, पूरा लाइन आपको मिल जाएगा। पहले भी यूपीएससी का आप लोग जिस समय मैं था जिसे हम लोग लिख रहे थे उसमें आपका 2004-05 का दौर था, उस समय क्या है कि एकदम पूरा किताब खोलते जाइए खोलते जाइए कहाँ से निकाल रहे हैं एकदम अंदर के एकदम पूरा ये है पगड़ी को क्या बोला जा रहा है तो ये इसको क्या बोला जा रहा है तथ्य पूरा ये। हाँ आप मौर्य साम्राज्य में जाइएगा तो आपका जो अभी हम लोग जैसे हम लोग बोला था उप समाहर्ता, हाँ तो समाहर्ता जो वर्ड है ये मौर्य पीरियड का है। हाँ संविधाता समाहर्ता, संविधाता होता है कोषागार का मालिक, समाहर्ता होता है कलेक्ट करने वाला, और उसे बना है कलेक्टर, कलेक्टर हो गए डीसी, हम लोग उनके सहयोगी, हम लोग डिप्टी कलेक्टर, तो ये वर्ड कहीं आते हैं मौर्य एक प्रथम पढ़िए, लेकिन अभी जब आप मौर्य पढ़िएगा तो उसमें आपको उतना अंदर का तथ्य नहीं आता है, मतलब वो तो बेसिक में बता रहा हूँ, लेकिन आपको अब आपको पूछेगा अशोक कौन अभियान में कहाँ क्या मिला था या शहबाजगढ़ी मानसेरा है उसकी लैंग्वेज क्या है जो आपको इमीडिएट में मिल जाएगा, तो आप गहराई के साथ साथ पूरा एकदम क्लियर करना पड़ेगा, पूरी चीज को आपको समझ में होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट मौर्य अगर हम दिमाग में डालें तो पूरा मौर्य आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सूज से लेकर ड्रेस से लेकर हेयर स्टाइल गाड़ी के अंदर पानी हो, अब पहले क्या था कि पहले था बॉडी के अंदर से हम कहीं से चुन कर ये कर दिया, तो ये अंतर कर देगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टोटल टोटल कंसेप्ट बेस्ट होता है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, जेपीएससी भी है, जेपीएससी भी कहीं भी उसी को फॉलो कर रहा है, तो जो बुक से पढ़ते हैं उसका डिस्कस कीजिए, टेस्ट दीजिए और मंथन जरूर कीजिए, और एकदम यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ और एकदम एग्रेसिव विचारधारा भी थोड़ा रखना, गंभीरता के साथ थोड़ा एग्रेसिव करना, एग्रेसिव का मतलब है कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे भी हम घर जाएंगे तो मेरा बेटा का मामा क्यों ले जाएंगे ना, तुमने हमको वही चाहिए बच्चा लोग, तुम जिद्दी बन जाता है, तो यूपीएससी के लिए क्या एकदम जिद्दीपन होता है, एकदम हमको चाहिए तो चाहिए, और जब ये जिद्दीपन होगा तो अगर आप हारते भी है ना तो ये शेरों की लड़ाई है, हाँ ये शेर यूपीएससी मामूली काम नहीं है, पूरे इंडिया तो छोड़ दीजिए पूरे एशिया महादेश में सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, मतलब वर्ल्ड लेवल में इस एग्जाम की महत्व तक इंडिया की यूपीएससी रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मापदंड इतना ऊपर है कि उस चीज को हम और आप समझ सकते हैं और उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस से एकदम चलना, अंदर से आत्मा से आपको समाहित करना पड़ेगा, हमको उस चीज को अचीव करना है, कंप्लीट करना है, और साथ में बताऊंगा कि जेपीएससी को भी जरूर फोकस कीजिए साथ में, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं मैं आपके हौसला को कम कर रहा हूँ या मैं यूपीएससी की बात करूँ, जेपीएससी में इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 JPSC का भी साथ मिला रहा है, पता नहीं पता है 3 JPSC को पूरा साथ मिला रहा है, और जेपीएससी का जो जीएस है 100 नंबर GS और 100 नंबर झारखंड, और झारखंड का जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप जैसे झारखंड को कुछ नहीं है जो जीएस पढ़ रहे ना तो उसका बस हर जीएस का जो पार्ट है वो झारखंड से क्रेजिएट पढ़ना है, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे राज्यपाल को बढ़िया पढ़िएगा, विधान को विधान परिषद पढ़िएगा, तो झारखंड का पॉलिटिकल हो रहा है, आप स्पेशली आप मंत्रालय वगैरह देख लेना है कौन क्या मंत्री है कब कौन कहाँ से आ रहा है, एससी कितना रिजर्व है, एसटी कितना रिजर्व है, कौन वहां से रहे, एकदम सिंपल आपका पॉलिटिकल कहानी कंप्लीट है, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट मीडिएवल मॉडर्न में पढ़ते हैं, आपको उसको झारखंड में टच कर लेना है, समझ लो स्पेशली झारखंड का कल्चर थोड़ा सा आपको वहां पर हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, और आपका ये सरदार पटेल टेंडेंसी एक्ट है, सीएनटी स्पेशल जो है ये आपको जैसे फुटकट्टी है भुईयर है, हाँ मनीष रंजन की किताब है आपके पास, तो ये चीज को देख लीजिएगा, पिछले बार जो जेपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा था फूट का ठीक क्या है नहीं मिलता है, सब जगह क्वेश्चन मिलेगा नहीं, हाँ क्वेश्चन सब जगह सब बेसिक बुक्स में सब जगह नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा
मनीष रंजन सर, क्योंकि मनीष रंजन आईएएस रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं मतलब सर, हाँ उनके अंदर में काम करने में सौभाग्य मिला है, और आईएएस ये चालक के स्टूडेंट भी रहे, सेकंड टॉपर साथ फोर्थ टॉपर सेकंड टॉपर स्टूडेंट है, हजारीबाग का डीसी भी रहे, उन्हीं की लिपि था बहुत अच्छी, इतना सिंपल लैंग्वेज में है। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज को जितना गहराई से जानेगा उस बात को उतना ही अच्छा तरह सकते हैं। अभी मैं मेंस में नहीं आया हूँ, अभी पीटी में चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको अगर लिखना है सपोज मंगल पांडे का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो आप 1857 क्रांति को जितना बढ़िया सा समझिएगा तो मंगल पांडे की बात उतना ही अच्छा से और उतना ही कम शब्द में रख सकते हैं, और इसका आप पूरी मोटी मोटी किताब जब पढ़िएगा था खा करके बोलिएगा एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट, यही एनसीईआरटी का देना है। हाँ बिपिन चंद्रा बुक देखिए या के सिद्धार्था देखिए या आपका के सी श्रीवास्तव देखिए, तो एक रेटर देखिए आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा मेरे भाई लोग, तो वहां आपको देखिएगा जीनियस लोग का पूरा लाइन लगा हुआ रहता है। आप गौर कीजिएगा इतने लोग मिल करके और फिर उसका कौन जांच कर रहे हो, वो दिए कहाँ कहाँ डिग्री लिए हुए और उतना मिल करके और ये छोटी सी किताब बनाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी कोई भी बोलेगा तो आप लोग सोचते खाली एनसीईआरटी बोलते, खाली एनसीईआरटी बोलते कुछ मिलता ही नहीं, तथ्य तो एनसीईआरटी तथ्य नहीं मिलेगा, कंसेप्ट आपको मिलेगा सर, समझ बात को ना। और अभी यूपीएससी की डिमांड यही है, यूपीएससी की डिमांड पूरा कंसेप्ट बेस्ड में, आप टेंथ वाले किताब पढ़ देखिए आप अच्छा सा अध्ययन के पता चलेगा किताब को समय घुमा रहे हैं। तो इस चीज को जब जरूर ध्यान देना है कि एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ना है और एकदम पूरे हृदय से आत्मसात करना है, पूरे हृदय से। तो मैं भी झारखंड में चर्चा कर रहा था, झारखंड के जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन मध्यकालीन मॉडर्न पढ़ रहे हैं ना, तो झारखंड का भी सिलेबस देखिए उसको पूरा टच कीजिए, और सिलेबस तो जब कम से कम जहां पढ़ते हैं ना तो उसको तो आपके दिमाग में, जेपीएससी सिलेबस से यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो मस्तिष्क में होनी चाहिए। हमको फिजिकल ज्योग्राफी क्या पढ़ना है तो सिलेबस की जरूरत ही नहीं है, अर्थक्वेक पढ़ना है तो पढ़ना है, वोल्केनिक इरप्शन पढ़ना है तो पढ़ना है, ओशन करंट पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ बात, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है तो पढ़ना है, एकदम दिमाग में होनी चाहिए। पहला तो आप सिलेबस पूरे दिमाग में बैठिए एकदम, मैं बता रहा हूँ, और ये रटने की चीज नहीं है, आप पढ़ते जाइएगा। हाँ 20 अप्रैल 1526 में पानीपत की युद्ध हुई थी, कौन कौन थे ये पहले हम याद कर रहा, डिटेल में कहानी तो ऐसे दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा दिमाग में, तो बड़ा थॉट रखिए, जब बड़ा थॉट रखिए तो छोटा चीज तो अपने साथ किस बार आ जाएगा। इसलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि शुरू में लूसेंट किताब मत पढ़ो, आपको रेलवे में नहीं जाना है और क्लर्क नहीं बनना है। हाँ तो बड़ा है तो बड़ा के लिए थोड़ा सा मोटी किताब पढ़ने की जरूरत है, और अगर आपका कंसेप्ट एनसीईआरटी क्लियर है ना तो आप बहुत स्पीड से पढ़िएगा, क्योंकि आपको जो है सो पूरी बेस पता हो गया है, आप उसमें गहराई में एंट्री करते जाना है, और जितना बार पढ़िएगा उतना बार आप उसको अध्ययन कीजिएगा, मतलब उसमें गहराई में जाइएगा। जैसे मैं दरवल जब तैयारी कर रहा था उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में रखा था, और एनसीईआरटी को कम से कम 15 बार में पढ़ाऊंगा। अगर मैं वैदिक काल पढ़ रहा हूँ तो पूरे वैदिक काल को पूरा पढ़े तो हर बार पढ़े तो एक दो तथ्य हमको मिलेगा, ये चीज है यहाँ पर, ये मेरे कंसेप्ट में नहीं था, समझ बात को ना, कि ऋग वैदिक काल जो लोग लौकिक वैदिक पर लौकिक के बारे में जानकारी ये हमको वर्ड मिला, तो ये चीज आप किसी चैप्टर को पूरी गहराई से, इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ नहीं मन लग रहा है आपको, क्या ध्यान आपको कहाँ है देख रहे हैं कि थोड़ा, तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ चीज को समझिए, कुछ गहराई में डेपनेस में आपको जाना पड़ेगा, और उस चीज में जब जाएंगे तो आपके साथ ना आपकी भावना इतना जुड़ जाएगी ना कि पढ़ाई में दीवानगी हो जाएगी, तो फिर आप लैंप जला के भी पढ़िएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए जितने लोग सक्सेसर तो बोले कि बहुत किताब नहीं पढ़नी है, बाकी कम किताब बहुत बार पढ़नी है, मतलब आप बार बार पढ़िएगा तो आपको चैप्टर मिलेगा। आप देखिए ना, आप सिंपल एक की कुछ पढ़िए, पानीपत के तीन युद्ध को पढ़िए, दो बार तीन बार पढ़िएगा फिर मिलेगा कुछ, और हमेशा है ना सोपने की स्पंज जैसा भूखा रहिए एकदम सस्पंज की एकदम, ये नहीं कि हम ज्यादा जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हुए वहीं पढ़िए होंगे। हम पीजी में, मैं यूनिवर्सिटी फोर्थ स्टूडेंट था, मतलब फोर्थ टॉपर था यूनिवर्सिटी के पीजी में, अब पूरा मोहित्रा लॉबी में हजारी में रह रहा था, रिजल्ट निकले थे हमारे देवगांव भी एमएस के थे और प्राइमरी टीचर में, तभी भी भैया टीचर नहीं है, तो मिठाई में हम लोग बांट रहे थे, उसी में बोला ठीक है बच्चा तुमसे मिठाई में खाऊंगा, बहुत सीनियर थे तो हमारा इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे, एक में जवाब नहीं दे पाया, एक क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ वो 10 क्वेश्चन रट करके जाए एग्जाम में 0 करके आ गया हूँ, एकेडमी में यही है ना। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग एकदम भूल जाइए कि हम केमिस्ट्री के जानकार हैं, हम ज्योग्राफी के जानकार हैं, नो, आप उस चीज को अपने आप में अंदर में, लेकिन उसको बहुत यहाँ पर मत आने या दिल में मत हावी होने दीजिए, जहाँ हावी होगा तो चैप्टर को आप छोड़िएगा और कोशिश पता चलेगा कहीं से आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है।
है तो अच्छी बात है, पर उसका हम एकाधिकार बनाएंगे ना, वो हमारा जब मजबूत कड़ी बनेगा, समझ बात ना, वो हमारा मजबूत कड़ी बनेगी कि हमें तो ध्यान रखिएगा कि जो अच्छा है उसको और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, कभी भी उसको मत सोचिए। हम मान के चलिए कि दो स्टूडेंट हैं, एक मान के चलिए हमारे मनोज जी और मैं हूँ, दो हमारा एग्जाम्पल है। हाँ, मैं थ्रू आउट एकदम टॉपर स्टूडेंट मिलता आठ से लेकर के सब मैथ ओलंपियाड सब जगह मैं गया हूँ। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक वो है कि जो एकदम सिंपल स्टूडेंट है, यूपीएससी एग्जाम में बैठे हैं, हमारा एकेडमी एकदम बहुत अच्छा एकदम एकदम ब्राइट है और उनका सिंपल है, पर यूपीएससी के जो सिलेबस है पीटी का मेंस का जितनी तन्मयता से वो पढ़े वो तन्मयता मैं नहीं पढ़ा। तो जो सिलेबस करता है उस चीज को जितना बेहतर वो पढ़े हैं मैं नहीं पढ़ा हूं, तो मेरा एकेडमिक लिए पे कहां काम करेगा, कहीं है आपके पास जगह? पता चल जाएगा इतिहास में हमको जगह दी है, और तो छोड़ दीजिए वो संस्कृत के स्टूडेंट है और मैं इतिहास पीएचडी करके नेट भी निकाल के बैठा हूं, लेकिन यूपीएससी में मैं नहीं पढ़ा वो मेरा नजरिया नहीं रहा, पता चलेगा इतिहास में मैं 15 में 10 12 बना के बैठी है। तो मेरे भाई जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप कितना अच्छा पढ़े, कितना डेडिकेशन उसमें है, कितने आप अनुशासित हैं, और विश्वास रखना पड़ेगा अपने आप पर, विश्वास अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, बहुत लव कीजिए, और पूरा विश्वास है कि एकदम अथाह चट्टान के जैसा एकदम सोच लीजिए कि या तो हार या तो जीत, और हारना तो है ही नहीं। हाँ, या तो जीत या तो सीख, हार नहीं मिलती है, समझ बात है, यूपीएससी स्टूडेंट को हार नहीं मिलती, एकदम मजबूत इरादा रखना पड़ेगा, आज जेपी से तो ऐसे उड़ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी में पहले क्लियर किया कि जेपीएससी और यूपीएससी, लेकिन जेपीएससी का फिर कुछ रणनीति देखना है, हमको स्क्रिप्ट पूरा देखना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू में फेस करेंगे तो सीधा कहा जेपीएससी पूछेगा इंटरव्यू में, हाँ इधर पूछेगा हर जगह, क्योंकि आप झारखंड में डिप्टी कलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, आपको बोल जाएगा कि ताजहरी साहबगंज में गंगा नदी किनारे ब्लॉक के वहाँ वीडियो बन गए, एक साथ इतना वहाँ की आदिवासी महिला है, क्या उसी का काम कीजिएगा? आप झारखंड में पढ़ भी नहीं कीजिए तो आपको पता नहीं कि साहबगंज उत्तर पश्चिम में एक दक्षिण पश्चिम में, तो मेरे बात सुने, तो उस चीज को आप मतलब फोकस करना पड़ेगा। तो जेपीएससी में आपका जो जीएस है उस जीएस में पढ़ाई हो गई है जीएस की जेपीएससी में? नहीं, पढ़ाई हुई है। तो जेपीएससी का झारखंड का जो रिचेस्ट पार्ट है वो आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री में चूंकि मैं इसलिए अगर मैं कल्चरल को हटा दूंगा तो हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी से कम हो जाएगा, लेकिन कल्चरल चूंकि बहुत रिचेस्ट है। हाँ, झारखंड का जो यहाँ के जनजातीय जो समुदाय है, खास करके संथाल मुंडा हो या आदिम जनजाति जो मेरा है, हाँ, तो वो आपका ऐसे भी तो सर यूपीएससी में भी तो हिस्ट्री का जीएस पेपर उसमें तो आर्ट एंड कल्चर से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंटरेस्पेक्ट कोर कोर हिस्ट्री है। हाँ, कोर हिस्ट्री में तो आपका आप तो आर्ट एंड कल्चर को ही ज्यादा प्रेफर, हाँ, ज्यादा कर रहे हैं फोकस, क्वेश्चन तो उसी से ज्यादा दे रहे हैं। इस बार का भी क्वेश्चन मैंने देखा था मेंस का, उसमें आर्ट एंड कल्चर का आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन, नहीं पहले भी रहा है, पहले भी क्वेश्चन है आपका, मतलब कोर हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन उतना नहीं पूछ रहा है जितना की आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो चोर का जो ग्राम प्रशासन है या उसका जो कल्चर है वो पूछेगा, राजेंद्र चल को आपका अभियान बहुत नहीं पूछेगा, लेकिन आपका चोर कहां से पूछेगा, राय बिल्कुल आपसे पूछेगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ना है तो वहां का आपको पूछ रहा है कि वहां का कल्चर उस टाइम का कल्चर किस तरह था, मतलब कि आपका प्लानिंग सिटी प्लानिंग कैसा है, उस समय का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ये सब चीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आर्ट एंड कल्चर से, ना कि कोर हिस्ट्री से। तो वही झारखंड में जब हम आते हैं तो झारखंड के जो जनजातीय है उसको बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा एकदम पूरा मैप पूरा समझिए कौन जनजाति कहाँ आ रहा है, और आप फ्यूचर के लिए समझिए मैं उड़ाव बन गया या मैं मुंडा बन गया जनजाति, तब आप उसमें डूबिएगा तब अच्छा लगेगा पढ़ने में। हाँ, चूंकि हम झारखंड के थे, यहाँ के जो कल्चर है उस चीज को आपको समाहित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ जन्म गए तो हमारे पास सब कुछ हमको आइडिया, वो सब नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। इस वक्त पॉलिटिकल है, आपके यहाँ की इंडस्ट्री वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, ये आप देख लीजिएगा करेंट अफेयर को आपको झारखंड का समाहित कर जाना है, आपको बहुत टफ नहीं है। हाँ, बहुत राजस्थान या बीपीएससी जैसा अभी क्वेश्चन की गहराई झारखंड उतना एंट्री नहीं की है गहराई, जैसे आप बीपीएससी देखिए क्वेश्चन या यूपीपीएससी के तो बहुत टफ पूछता है, लेकिन अभी भी झारखंड उस गहराई में नहीं गया है। हाँ, लेकिन आप एंट्री कर गया है, हम लोग सिंपल एक आपको उपकार प्रकाश ने किताब पढ़े थे अब बैठ गए, अभी बैठेगा तो उड़ जाएगा उपकार, अब उपकार बहुत गहराई ले गया क्योंकि क्वेश्चन दिन दिन हम लोग बहुत टफ अटैक किए तो वो टफ करते जा रहा है। तो इस चीज को आप जेपीएससी में आप अच्छा ध्यान दीजिए और आपका झारखंड का जीएस को
जो आप यूपी से तैयारी कर रहे हैं अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुने बात सुने, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर जैसे झारखंड का जो जीएस है मनीष रंजन है ना, मतलब मेंस के लिए टीटी मेंस के लिए उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए सुनील सर की भी किताब है जो आपका रामगढ़ डीसी रहे हैं सिंह कुमार सिंह, ये आपका जो हाथी वगैरह जो सीन हरा भरा दिख रहा है उनका बाद में वो भी रहे हैं डीसी के रामगढ़ में, उनकी भी किताब अच्छी है। और आपका शॉर्टकट में अगर पढ़ना है शॉर्टकट मतलब है कि तुरंत तथ्यों का समावेश होना है तो आप एक किताब आपका है हाँ सर का उनका भी किताब है लेकिन हम भूल रहे हैं अभी याद नहीं हो रही किताब का नाम, हाँ तो वो भी किताब अच्छी लेकिन कोई भी एक पढ़िए। मनीष सर का नाम इसमें बोलाना है कि जो आपका संथाल प्रोमिनेंट वगैरह जो है इसमें जो क्वेश्चन पिछले बार 7-8 क्वेश्चन डाल दिया था और वो आपको सिंपल किताब में आपको नहीं मिलेगी, वो आपको उसमें इसलिए उस किताब को आप उसके लिए जरूर पढ़ लीजिए, इसलिए मैं सर की किताब पढ़ना चाहता हूँ और अच्छी किताब है लैंग्वेज बहुत सिंपल है। जैसे कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल था आपका, मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सर उसके लिए कौन सा ऐसा मतलब बुक है जिसमें पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाए, क्योंकि सर मेरा हम दो तीन क्लास के इसलिए देखिए अभी मैं जनरल क्लास में हूं तो फिर मैं लास्ट में बैठ बताऊंगा क्योंकि सभी में डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे देख लीजिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा ज्योग्राफी या कोई भी हो हां सब्जेक्ट में पुनः भी दोहराना चाहूंगा कि जिस सिलेबस को जितना बेहतर से आप समझें और किताबी भाषा जो होता है जिससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट में कि जो हमारा किताब के लैंग्वेज है तो ज्यादातर वो लैंग्वेज को देखना पसंद नहीं करता है किताबी लैंग्वेज को। हाँ संतोष जी का नाम थोड़ा भी कोचिंग में बात बात एकेडमी जो हम लोग पढ़ते हैं वो नोट से लगभग किताब से मिलता जुलता है हम लोग उसको उतार लेते हैं, पर इस चीज को यूपीएससी जेपीएससी नहीं पसंद करता है, वो आप पूरा पढ़ने के बाद जो है उस चीज को आप अपने मस्तिष्क में लाइए और उसको पूरा एकदम तरह से मिक्स करके वो अपना लैंग्वेज निकालिए आप वो चीज को लिखिए और उसमें आप क्या देखते हैं आपका क्या नजरिया है वो चीज आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो आप भुला दीजिए।